बिजनौर में जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। भाजपा के दो गुट आमने सामने आ जाने से मामला रोचक हो गया है। आज बीजेपी नेता आयुष चौहान के नेतृत्व में सदस्यों का एक गुट अविश्वास प्रस्ताव लेकर डीएम बिजनौर से मिलने पहुंचा और लिखित शपथ पत्रों के साथ अविश्वास प्रस्ताव की मांग की गई। डीएम से मिलने पहुंचे सदस्यों का आरोप है कि सगेंद्र चौधरी द्वारा उनका लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसके चलते सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी से सगेंद्र चौधरी को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव जिलाधिकारी बिजनौर को सौंपा। हम लगभग 33 सदस्यों के एफिडेविट के साथ और लगभग 22 सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। हम जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सगेंद्र प्रताप सिंह जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर नोटिस डीएम साहब को देने आज आए, क्योंकि पिछले कई महीनों से जिला पंचायत में घोर अनियमितताएँ चल रही थी। जिला पंचायत सदस्यों के खिलाफ जबरन मुकदमे दर्ज कराए गए और यहाँ तक कि पीछे जो मीटिंग भी हुई है वो जबरन मीटिंग कराने का काम जिला पंचायत अध्यक्ष ने किया। सभी जितने भी सदस्य हैं सभी के साथ कुछ ना कुछ घटना ऐसी घटी है जो यहाँ बताई नहीं जा सकती है और सभी सदस्यों ने रोष प्रकट किया है। इसी के लिए आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले और यहाँ पर हमने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस डीएम साहब को दिया है। आप भी भाजपा से हैं और जिला अध्यक्ष जो सगेंद्र है वो भी भाजपा से हैं, तो क्या ये बगावत नहीं होने की? जिला हमने अपनी बात क्योंकि सदस्यों से ही जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं और लगभग 12 में से 8 सदस्य हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के हैं जो यहाँ पर मौजूद भी हैं, जिसमें से 6 सदस्य, तो सभी लोगों ने उनसे बात करी, समझाया भी उन्हें, लेकिन जो भ्रष्टाचार है जिला पंचायत में वो नहीं रुक पा रहा था और इसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाने का काम किया। क्या पार्टी हाईकमान से भी कोई निर्देश है हटाने के लिए? इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमने अपनी बात हाईकमान तक पहुँचाने का काम किया। आपने कहा पिछली मीटिंग जबरन होगी जी, इसकी कहीं आपने शिकायत की थी इस मामले की? हाँ, मैंने शिकायत की थी इसकी, मैंने ऊपर भी बताने का काम किया था और उसमें जो है मीटिंग में ब्लॉक प्रमुख और अदर लोगों को बुलाया गया जो सदस्य जबरन रजिस्टर को उठा के ले जाया गया और उसकी कार्रवाई पूरी करने का काम किया, जबकि उसमें सदस्य मौजूद नहीं थे।